वंदन हो आदरणीया परम श्रद्धेया संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन के शिल्पकार पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज गुरुदेव जैन दिवाकर चोतमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञान में गंगा योग में यमुना ब्रह्म में ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो ऐसे समस्त आचार्य प्रवर एवं उपाध्याय प्रवर के चरणों में सत सत वंदन। वंदन समस्त मुनि मंडल के चरणों में वंदन। सरस्वती स्वरूपा महासती जी महाराज के चरणों में धर्म सभा में आए वे धर्म स्नेही बंधुओं माताएं बहनों परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। सुनहरा अवसर आनंद जन्म महोत्सव का मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उपाध्याय प्रवर एवं समस्त आचार्य प्रवर के सानिध्य में चतुर्विध संघ के सानिध्य में दो बार ये दूसरी बार पुनः जन्म जयंती मनाने का अवसर मिल रहा है। कहते हैं स्वामी दयानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अनेकों जन्म की साधना जिन्हें दयानंद सरस्वती जैसा शिष्य मिला। भगवान बुद्ध की अनेकों वर्ष की साधना कि जिन्हें आनंद जैसा शिष्य मिला। भगवान राम की अनेकों वर्ष की साधना कि जिन्हें हनुमान जैसा भक्त मिला। भगवान कृष्ण की अनेकों वर्ष की साधना कि जिन्हें अर्जुन जैसा सारथी मिला। गुरु द्रोणाचार्य की अनेकों वर्ष की साधना जिन्हें एकलव्य जैसा शिष्य मिला। गुरु आनंद गुरु रत्न ऋषि की अनेकों वर्ष की साधना अनेकों वर्ष की तपस्या कि जिन्हें आनंद गुरु जैसा शिष्य मिला। आगे बोल दूं गुरु आनंद की अनेकों वर्ष की साधना कि जिन्हें उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज जैसा शिष्य मिला। काश ऐसे शिष्य को नहीं भरते गुरु आनंद तो आज ये समा हमें देखने के लिए नहीं मिलता। आइए जिस महान संत की जिस महान आचार्य की जन्म जयंती हम और आप मना रहे हैं वह किस जगह जन्मे मैं आपसे पूछ लूं। हाँ सुनीता जी कहाँ जन्मे आचार्य भगवान? महाराष्ट्र की पवित्र पावन माटी जिस माटी के अंदर संत नामदेव ने जन्म लिया जिस माटी के अंदर संत तुकाराम ने जन्म लिया जिस माटी के अंदर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया उस पवित्र एवं पावन माटी के दिन में आज के दिन जिस माटी के अंदर आचार्य आनंद का जन्म हुआ। जब राजस्थान में जाते हैं राजस्थान में विचरण करते हैं जब आज के स्थान का वर्णन सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमें महाराणा प्रताप की याद आ जाती है। जब राजस्थान में जाते हैं तो दादा गुरुदेव की याद आ जाती है। राजस्थान में जाते हैं तो जयमल जी महाराज की याद आ जाती है। राजस्थान में जाते हैं तो कड़क मिश्री जी महाराज की याद आती है। जब एमपी में विचरण करते हैं तो पूज्य गुरुदेव दिवाकर जी महाराज की याद आ जाती है। और जब महाराष्ट्र के अंदर घूमे महाराष्ट्र के अंदर विचरण करते हैं तो ओनली फॉर याद आती है ओनली फॉर स्मृति होती है तो किसकी होती है? आनंद गुरु की होती है। जिस आनंद गुरु ने इस धरती पर अवतरित होकर न जाने कितने लोगों के जीवन को सवारा। कहते हैं जब जब देश के अंदर हिंसा की आंधी चलती है जब जब देश के अंदर तांडव नृत्य चलते हैं जब जब देश के अंदर अन्याय और अत्याचार होते हैं तब ऐसे एक महामहिम और महापुरुष का क्या होता है? अरे जन्म होता है। अगर ये सत्य संयम का बीज ना बोते अगर ये सत्य संयम का बीज ना बोते सभी संसार सागर में खाते रहे गोते। अगर ये सत्य संयम का बीज ना बोते सभी संसार सागर में खाते रहे गोते न पावन आत्माएं होती न पावन आत्माएं होती न जीवित मंत्र होता कभी का देश मिट जाता गरे से संत ना होते कभी का देश मिट जाता गरे से संत ना होते। ऐसे महान आचार्य की जन्म जयंती के सुनहरे अवसर पर क्या बोलूं? मेरे पास शब्द नहीं है मेरे पास बोल नहीं है उस महान संतों के चरणों में क्या अर्पित करूं? मेरी नम्नी सी जीवा उस संतों का उस आचार्य का जितना गुणों का वर्णन करे उतना भी क्या है? अरे कम है। याद रखना आचार्य जिस आसन आचार्य ने इस जिन शासन को इस श्रमण संघ को इतना दिया ये जिन शासन उनके ऋणों को उनके उपकारों को उनके एहसानों को कैसे भूल पाएगा? मैं याद करती हूँ जब आचार्य प्रवर का जीवन पढ़ती हूँ
उनके जीवन को गहराई से झांकती हूँ तो सचमुच मुझे लगता है, हे आनंद तूने जिन शासन को कितना दिया। एक बार दो भाई का बंटवारा हो रहा था, जब दोनों भाइयों का बंटवारा हो रहा था काफी चीजों का बंटवारा हो गया, मात्र एक कांच बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? मात्र एक मिरर बचा हुआ था। दोनों भाई झगड़ रहे थे, एक कहता है ये मिरर मैं लूंगा, दूसरा कहता है ये मिरर मैं लूंगा। उधर से एक सज्जन व्यक्ति गुजरा, उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पिता मेरा खास दोस्त था, खास मित्र था, खास सखा था, उसने इतनी इज्जत बताई, उसने उतना प्यार बनाया, उसने समाज के लिए देश के लिए और धर्म संघ के लिए कितना किया, आज आप भाई ये क्या कर रहे हो। तब उसने कहा ये आईना मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे चाहिए। मित्र ने उठाया आईना और उस आईने को क्या कर दिया, अरे धड़ाम से नीचे फेंका और उस आईने को क्या कर दिया, अरे तोड़ दिया। वह मित्र कहता है मैं इस आईने की टूर देख सकता हूँ लेकिन इस घर की क्या नहीं देख सकता हूँ, अरे फूट नहीं देख सकता हूँ। ऐसे आचार्य आनंद जिसने हमारे धर्म संघ को, जिसने हमारे श्रमण संघ को संघ एकता में बांधने का सुनेहरा क्या किया, अरे प्रयास किया। कोई संत, कोई श्रमण, कोई श्रमणी इस धर्म संघ से क्या न हो जाए, अरे टूट न जाए। जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, जिन्होंने देश के हर कोने कोने के अंदर जैन धर्म की और स्थानिकवासी परंपराओं को अक्षुण रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। आज जन्म जयंती के अवसर पर क्या भेंट करूं मैं उन्हें, क्या दूं, मेरे शब्द नहीं है, फिर भी कवि की चार पंक्तियों से कहना चाहूंगी। तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है, तुम्हें चंद्र की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है, तुम्हें सूर्य की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है, तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है, तुम्हें सूर्य की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है। उपमित करना होगा राम बुद्ध महावीर से, उपमित करना होगा राम बुद्ध महावीर से, आनंद से आचार्य मिले सचमुच हम महाभाग्य है, सचमुच हम महाभाग्य है। आइए ऐसे आचार्य आनंद का जन्म महोत्सव मनाने का इस चेन्नई की धरा पर सुनहरा अवसर मिला, अवसर के साथ साथ अभिनंदन करूंगी मेरे अपने अनंत आस्था के केंद्र, अनंत श्रद्धा के केंद्र उपाध्याय प्रवर, जिन्होंने एक सुंदर सा साथ जगाया, जिन्होंने एक सुंदर सा आयोजन किया। एक आचार्य नहीं, दो आचार्य नहीं, तीन आचार्य नहीं, चार चार आचार्यों के दर्शन करने का सुनहरा अवसर दिया। याद रखना जब संतों का जीवन पढ़ते हैं, जब उपाध्यायों का जीवन पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है, मुझे बड़ा फख्र होता है और मुझे बड़ा आस्था और श्रद्धा से मेरा झर झुक जाता है। इस जैन समाज के अंदर, इन जैन समूह के अंदर अनेकों उपाध्याय हुए, अनेकों आचार्य हुए, लेकिन ऐसा उपाध्याय मैंने एक विरला देखा है। जो उपाध्याय मुरारी बापू जब किसकी कथा करते हैं, अरे भागवत कथा करते हैं, जो मुरारी बापू हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, वर्ल्ड के हर कोने कोने में प्रसिद्ध है, आज मुझे बड़ा फख्र होता है जब उपाध्याय प्रवर हिंदुस्तान में एक ऐसा संत है जो महावीर गाथा का पैगाम, परमात्मा महावीर का पैगाम, महावीर गाथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का क्या करते हैं, अरे प्रयास करते हैं। जब महावीर गाथा का वर्णन, जब इंदौर मेरा चतुर्मास हुआ तब मैंने सुना, जब मैंने जाना तब मैंने वो चित्र देखे, मेरा सर आस्था और श्रद्धा से झुक गया। क्या ऐसा संत जो राजवाड़ा के अंदर महावीर गाथा को रात में 12 बजे भी पढ़ दे और 10,000 की जनवेदनी क्या हो, अरे वहां से नहीं हुले। ऐसे महान संत के क्या होते हैं, अरे महान शिष्य होते हैं। आइए इस जन्म जयंती के पावन अवसर पर दूसरा अवसर कौन सा है, अरे तपोत्सव। आज जिन भाई बहनों ने एक उपास नहीं, दो उपास नहीं, 8 उपास की कठोर तपस्या कर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को क्या किया है, अरे जीतने का प्रयास किया है। कहते हैं तपस्या करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। जब हम उपास करते हैं संवत्सरी का तो रात्रि के अंदर हमें क्या नजर आ जाते हैं, चांद और तारे नजर आ जाते हैं, याद आता है कि कब मुझे क्या मिल जाए, अरे कब नौकरशी आए और पाने को क्या कर लूं, अरे ग्रहण कर लूं। धन्य है वह तपस्वी भाई बहन जिन्होंने आज 8 उपास की कठोर तपस्या कर आचार्य श्री के चरणों में अपनी आस्था,
अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। मैं अपनी ओर से, साध्वी मंडल की ओर से और गुरु दिवाकर कमला वर्षावास समिति की ओर से तहे दिल से सभी भाई बहनों का, तपस्वी भाई बहनों का तहे दिल से अभिनंदन करूंगी। कहते हैं टी के युग में तप तपना सचमुच वीरों का काम, टी के युग में तप तपना सचमुच वीरों का काम, डालडा घी खाकर जब तपना सचमुच धीरों का काम। जहां देखो वहां मिलावट का बाजार गर्मा गर्म, जहां देखो वहां मिलावट का बाजार गर्मा गर्म, वहां सौ टन से तप तपना सचमुच धीरों का काम, सचमुच धीरों का काम। आइए पुनः समस्त तपस्वी भाई बहन का और समस्त गुरु भगवंतों को तहे दिल से वंदन नमन कर मैं अपने शब्दों को विराम दूं। जिन्होंने तपस्या की उनका तो मैं अभिनंदन करूंगी और जिन्होंने इन तपस्वी भाई बहनों का स्वागत किया है उन परिवारों का भी तहे दिल से क्या करूंगी, अरे अभिनंदन करूंगी। कोई तपस्या करता है और कोई तपस्या करने वाले की क्या करता है, ऐसे पप्पू जी जैसे कई व्यक्ति होंगे जो तपस्या करने वाले की क्या करते हैं, अरे अनुमोदना करते हैं। आइए पुनः सभी की अनुमोदना करते हुए अपने शब्दों को विराम दूं। बोलो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। हमारे बीच नॉर्थ टाउन में चातुर्मासार्थ विराजित महासती जी श्री अक्षय प्रभा जी पधार चुके हैं। साध्वी जी के चरणों में सभी ने वंदन नमन। स्वागत संबोधन के लिए निवेदन है श्री आनंद जन्मोत्सव के चेयरमैन श्रीमान धर्मीचंद जी सिंह भी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2012 से अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से जिन शासन की प्रभावना को समर्पित कर दिया स्वयं को, आज यहां की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जिस तख्त पर बैठ करके आप सामयिक आराम से कर पा रहे हो, 40,000 स्क्वेयर फुट में प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, और चेन्नई वालों को पता है कि पिछले 6-7 दिनों से बारिश क्या खेल खेल रही है, उस बारिश के बीच काम करना है, और वो भी नॉर्थ टाउन के जमीन पर काम करना है। चेन्नई वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन कैसी है, लेकिन ये पूरी टीम, जन्मोत्सव समिति की पूरी टीम, धर्मीचंद जी के और गौतम शाह कांकरिया के नेतृत्व में जिस तरह से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, मुझे लगता है कि दो बातों के साथ इसका भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। जन्मोत्सव और तपोत्सव के साथ इस आयोजन को इस तरीके से संपन्न करने के लिए इनका भी अभिनंदन होना बहुत जरूरी है। धर्मीचंद सर, अहिंसा के अवतार सबन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन, अत्र विराजित समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में सविधि वंदन नमन अभिनंदन, उपस्थित देवगुरु श्रद्धा संपन्न धर्मानुरागी सज्जनों, धर्मनिष्ठ सुशील माताओं बहनों, गुरु चरणों में तपस्या की भेंट चढ़ाने वाले तपस्वी भाई बहनों एवं पधारे हुए सभी गुरु भक्तों का मैं श्री आनंद जन्मोत्सव समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा से एवं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें जिस पल की प्रतीक्षा थी, जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आ गई। चातुर्मास का शिखर महोत्सव, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 119वां जन्मोत्सव, यह भव्याति भव्य विशाल कार्यक्रम आप सबके समक्ष देखते हुए हम अति प्रसन्नता और हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। पूर्व में भी चेन्नई निवासियों का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर 111वां, 113वां और 117वां जन्मोत्सव मनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन्मोत्सव के इस प्रसंग पर दो दो मास खमन सैकड़ों भाई बहनों के 28 तेले की तपस्या की भेंट गुरु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। साथ ही मास खमन की तपस्या मंदिर पर शिखर ध्वजा के समान इस समारोह की शोभा की द्विगुणित शोभा बढ़ा रही है। मैं समिति की ओर से सभी तपस्वी भाई बहनों की सुख साधता पूछते हुए मंगल कामना करता हूं। आपकी तपस्या मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। बंधुओं, जब मैं छोटा था, करीब 13-14 साल का था, तो पूज्य आचार्य भगवंत आनंद सिंह जी महाराज साहब का कुशालपुरा में हमारे गांव में चातुर्मास हुआ था। मुझे आज भी वो पल याद है, वो दृश्य याद है, और हमारे गांव में
घर घर में, जैन में, अजैन में, सभी के मन में आज भी आनंद बाबा की वो छवि आज भी सबको याद है, और उसको याद करते ही हमारा दिल गदगद हो जाता है। एक शायर ने कहा है, यूं तो कहते हैं कि तेरे सर पर कोई ताज नहीं, मगर कौन सा वो दिल है जिस पर तेरा राज नहीं। वास्तव में आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी हमारा साथ जिन शासन के उज्ज्वल गगन का वो सूर्य है, जैन संघ समाज में जैनोत्सव का गौरव युगों युगों तक सदा जगाता रहेंगे। यहां पर एएमके में पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवासी प्रवीण सिंह महाराज साहब, पूज्य मधुर गायक श्री तृतीय सिंह महाराज साहब का चतुर्मास गतिशील है, अनेक विविध धार्मिक प्रयोजन, संस्कार शिविर, साधना शिविर आदि कार्यक्रमों के साथ ऐतिहासिक गतिशील है। आपकी ओजस्वी वाणी, प्रभावित वाणी जन जन को आध्यात्मिक दिशा एवं आत्मोन्नति की ओर बढ़ने में परस्तर है। मैं उपाध्याय श्री परमणि सिंह चतुर्मास समिति जिनके अंतर्गत वो चतुर्मास हो रहा है उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पूरे आनंद जन्मोत्सव कार्यक्रम को श्री आनंद जन्मोत्सव समिति के अंतर्गत करने का हमें सौभाग्य दिया है। मैं उनको, हमारी टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आनंद जन्मोत्सव समिति का यह सौभाग्य है कि शिखर महोत्सव मनाने का कार्यभार हमारी टीम को सौंपा गया है। हमारी टीम के श्री गौतम चंद जी काकरिया, श्री यशवंत जी पुंगलिया, श्री कमलचंद जी खटोर, श्री कमलचंद जी छल्लानी, श्री महावीर जी सुराना, श्री गौतम जी गुगलिया, जिन्होंने अपनी तरफ से खूब सेवाएं दी है और पिछले 15-20 दिन से खूब अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक लेके आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से जन्मोत्सव टीम को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जन्मोत्सव कमिटी ऑफ होस्ट जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम, जो उनके कार्यक्रम के लाभार्थी है, मैं उनका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के तपस्या के स्वागत और प्रभावना के लाभार्थी हमारे चतुर्मास के सिरमौर श्री केवर देवराज जी, नॉर्थन मिल चौड़िया, श्री अभय शाह, दीपक शाह, श्री श्रीमाल, श्री चैनराज जी, पदम जी, अरियन जी, किशन जी तालेडा और श्री दीपचंद जी, राहुल जी लुनिया परिवार, उन सबको हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिनकी तरफ से आज सभी तपस्वियों को प्रभावना दी जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं स्वागत की कड़ी में बहुत खासकर अभिनंदन करता हूँ हमारे अरियन लुनाउत परिवार का, जिन्होंने ये जगह सहर समय प्रदान की है और इस जगह में जो भी ये कार्यक्रम है उनमें उनकी बहुत भूमिका रही है, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। खासकर श्री हरीश जी मल्लेचा जो दिन रात हमारे साथ यहाँ पे खड़े होकर के उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नॉर्थ टाउन यहाँ पर आप सब लोग देख ही रहे हैं, करीब 700 से 800 अपने जैन परिवार है और सबकी तरफ से हमें खूब सहयोग मिल रहा है। आज भी यहाँ पे करीब करीब सब लोग यहाँ पे हैं, सब ड्यूटी दे रहे हैं। मैं पूरे नॉर्थ टाउन परिवार के सभी जैन भाइयों को, सभी सदस्यों को जन्मोत्सव समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने दिन रात करके हमारे इस कार्यक्रम के लिए खूब सपोर्ट किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विराजे सभी चरित्र आत्माओं को हमारी तरफ से कृतज्ञता प्रति करता हूँ कि मौसम के प्रतिकूल होने के बावजूद भी आप सभी गुरु भगवंत यहाँ पर पधारे, इस समारोह में पधारे, इस आपका ये उपकार हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। आप सभी पधारे हुए महानुभावों का एक बार फिर मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय महावीर। जो चतुर्मास समिति का दायित्व तो संभालते हुए सभी कार्यक्रम में पूरा सहयोग देते हुए भी चतुर्मास समिति के तीनों ही परिवार, तालेड़ा परिवार, सीसी मां परिवार, चोड़िया परिवार, तीनों ही परिवारों ने केवल समय नहीं दिया, केवल समर्पण नहीं किया तो साथ में तप और संयम की आराधना में भी तीनों परिवार जुड़े हुए हैं। अभय जी सीसी मां के परिवार से चार अठैया है, तालेड़ा परिवार से अठैया है और अजीत सा भाई जी और जेठवन सा चोड़िया, ऐसी चोड़िया परिवार के भी तीन अठैया है। आज आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रीमान अजीत जी चोरैया के आज 28 तप हैं, हार्दिक अनुमोदना इनके तप की। अध्यक्ष जी के भी आज 9 उपवास के पचकांड हुए थे कल,
और चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान अभय जी श्री श्रीमाल के आज नो उपवास हैं, वो किसी कारणवश थोड़ा लेट आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। वो आप सबके तब की हार्दिक अनुमोदना। कमल जी, प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। अति विराजित आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत एवं संत और सतियों के चरणों में सविधि वंदन। भारत संतों का जन्म स्थान है। समय समय पर इस धारा पर अनेक महापुरुष अध्यक्ष पधार चुके हैं, उनके साथा नहीं है, तो मैं उनकी ओर से ही यह जो उनका संदेश आपके तरफ पहुंचा रहा हूं। समय समय पर इस धारा पर अनेक महापुरुषों का ने जन्म लिया। महापुरुषों की इस श्रृंखला में ऐसे शताब्दी नायक परम पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म अहमदनगर चिंचोड़ी ग्राम में हुआ था। आचार्य भगवंत का जीवन चरित्र, जो 7 दिन का जो ये महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसके तहत उपाध्याय श्री ने उनके जन्म के पन्ने हम सबके समक्ष रखे। इनसे हमें पता चलता है कि आचार्य श्री अत्यंत शांत, सरल एवं गंभीर प्रवृत्ति के प्रकृति के संत रत्न थे। आपने श्रवण संघ में एक ओजस्वी और तेजस्वी आचार्य के रूप में कई वर्षों तक कुशल संचालन किया। आपने हमेशा जीवन को संस्कारी, विचारी और आचारी बनाने के लिए जोर दिया। आप संपूर्ण मानव जाति के समता योगी संत पुरुष हैं। आपके व्यक्तित्व में संत की गरिमा, योगी की समता, चारित्र की निष्ठा और वाणी की मधुरता के साक्षात दर्शन होते थे। आपकी वाणी की मधुरता के कारण ही आप एक छोटे से छोटे बालक को भी आप कहकर संबोधित करते थे। आज आचार्य भगवंत का 119वां जन्मोत्सव है, तो आइए हम इनके जन्म दिवस पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प धारण करें, यही अनुरोध। आज पधारे हुए सब धर्म भक्तों का उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी चातुर्मास समिति की ओर से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से पुणे, अहमदनगर, हैदराबाद, बेंगलोर और अन्य शहरों से पधारे हुए भक्तगणों का हार्दिक स्वागत। आज के दिन सभी धर्मों के भाई बहनों ने उनके आचार्य आनंद ऋषि के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण करते हुए तपस्या की है। हम उनकी साता पूछते हैं। विशेष रूप से आज हम आनंद जन्मोत्सव समिति के चेयरमैन एवं को चेयरमैन श्री धर्मीचंद सा एवं गौतम सा कांकरिया और उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस आयोजन को जगह के अंदर आयोजन किया। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आइए एक छोटी सी सूचना के साथ अगला कार्यक्रम चलता रहेगा। मां हंसा पुरस्कार के लिए जो आए हुए परिवार है, वे अपने आप को तैयार कर लें। मां हंसा पुरस्कार देने के लिए गुरु आनंद फाउंडेशन, बीइंग आराध्य के रुति जी सुराना और प्रकाश जी सिंघवी जी आगे आएंगे और आएंगे। अरहमिजा फाउंडेशन के अध्यक्षा, जिन्हें स्वयं को आज अठाई है, ऐसे हमारे अरहमिजा फाउंडेशन के अध्यक्षा भाई जी, अनंतीर्थ केंद्रीय प्रतिष्ठान के श्री अशोक जी गेलड़ा, आजिशा नवरतन मलसा और आनंद जन्मोत्सव समिति के चेयरमैन को चेयरमैन गौतम सा कांकरिया और धर्मचंद सिंघवी, ये सभी आगे आएंगे। तैयारी करिए, तब तक 2 मिनट के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों ये आयोजन कर रहे हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। उधर डिस्टर्बेंस रहेगा। घट घट के अंतर घटक जय बोलो महावीर स्वामी की।
बहनों से और भाइयों से दोनों से ही छोटा सा निवेदन है कि जहां कहीं उनके बीच में गैप हो उसको भर ले। बहनों से भी आग्रह है और भाइयों से भी आग्रह है, क्योंकि खाने की भी व्यवस्था का पर्दा निकालना पड़ रहा है, पंडाल फुल होने जा रहा है। थोड़ी देर बैठ ले, बैठ जाइए यहीं पर, आगे बैठ जाओ। आज जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, उनके जन्मोत्सव में मैं सबसे पहले 1974 में शामिल हुआ था। दीक्षा के बाद ही उनका जन्मोत्सव में मैं शामिल हो सका था। और जिस समय अपने जन्मदिन पर आचार्य भगवंत ने अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुरू करी और उनकी आंखें भर करके आई, मेरे मन को बहुत अटपटा सा लगा कि आचार्य पद पर आसीन एक व्यक्ति, मैं बच्चा था उस समय, और मां की याद में आंसू बहाए, बड़ा अटपटा सा लगा है। कोई संत अपने मां बाप की याद में आंसू बहाए तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, और एक आचार्य होकर के अपनी मां की याद में आंसू भरी सभा में बहाए, बड़ा अटपटा सा लगा है। लेकिन जैसे जैसे मैं उनको सुनता गया और आचार्य भगवंत ने फरमाया है कि यदि मां मुझे प्रतिक्रमण सीखने की प्रेरणा न देती, मां मेरी उंगली पकड़ करके रत्न ऋषि महाराज साहब के पास ले जाकर के ये न कहती कि बेटा नैनी, गांव में किसी को प्रतिक्रमण नहीं आता है, पक्की खाली जाती है, गुरुदेव पधारे तो प्रतिक्रमण सीख ले, मेरी पक्की खाली नहीं जाएगी। और वो छोटी सी प्रेरणा है, एक 9 साल के बच्चे को रतन ऋषि महाराज साहब के चरणों में प्रतिक्रमण सीखने के लिए देने वाली मां। एक मिनट बैठे, एक 5 मिनट है। गुरुदेव कोई वैराग्य की भावना से रतन ऋषि महाराज साहब पास नहीं गए थे, गुरुदेव नेमी चंद कोई दीक्षा लेने के लिए रतन ऋषि महाराज साहब पास नहीं गए थे, वो तो गए थे मां के कहने से प्रतिक्रमण सीखने के लिए, और प्रतिक्रमण सीखते सीखते गुरु का रंग चढ़ा। बेटा वो कार्यकर्ता गण प्रतिक्रमण सीखते सीखते संयम का रंग चढ़ा, और मां हुलसा को जब कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो मां हुलसा ने कहा प्रतिक्रमण सीखने के लिए भेजा था, दीक्षा लेने के लिए थोड़ा भेजा था। लेकिन नेमीचंद ने कहा मां से कि मां तूने प्रतिक्रमण सीखने के लिए कहा, और प्रतिक्रमण सीखते सीखते मुझे लगा कि एक जन्म का प्रतिक्रमण करके क्या होगा, भव भव का प्रतिक्रमण कर लूं और भविष्य में कभी मुझे किसी का प्रतिक्रमण करने का अवसर न मिले ऐसा जीवन में क्यों न जीऊं। 13 साल की उम्र में दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा का बीज मां हुलसा का है। इसलिए जब जन्मोत्सव मनाता हूं तो मैं समाज की उन माता हुलसाओं को खोजता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चे को 10 साल की उम्र में प्रतिक्रमण याद कराया, और जन्मोत्सव के दिन उन माताओं का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम करता हूं। आप देखोगे उन बच्चों को, और उन माताओं से आग्रह करूंगा जिनके बच्चे 3 साल के, आपके आंखों के सामने वो बच्चा सबसे आखिरी में आएगा, जिसको देख करके, जिसके मां को देख करके आपका मत्था झुके बिना नहीं रहेगा। ये माताएं और ये पिताएं जिन्होंने अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में प्रतिक्रमण याद कराया है, आज मां बाप कहते हैं कि बच्चों को कोर्स बहुत है, पढ़ना बहुत होता है, कोचिंग बहुत है, क्लास बहुत है, उनको कहां प्रतिक्रमण याद कराएं। लेकिन 10 साल के पहले और उस बच्चे को प्रतिक्रमण याद कराना जिसको पढ़ते नहीं आता है, वे बच्चे भी आपके पास आएंगे। क्या आप सोच सकते हो कि 4 साल के बच्चे को प्रतिक्रमण याद कराया जाए?
लेकिन वो माँ भी आपके पास आएगी और वो बच्चा भी आपके पास आएगा जिसको 4 साल की उम्र में प्रतिगमन याद है। न केवल प्रतिगमन याद है, भक्तामर स्तोत्र भी कंठस्थ कर रहा है, 25 बोल का थोकड़ा भी उसको याद है। क्या ऐसी मां को हुलसा नहीं कहना चाहिए? और इसीलिए आज का पुरस्कार मां हुलसा के नाम से दिया जा रहा है। और आप बिल्कुल शांति से इस कार्यक्रम को समय देंगे, बिल्कुल प्रेम से समय देंगे और एक भावना मन में लेकर के जाएंगे कि मैं मेरे पोते को प्रतिगमन सिखाऊं। जो दादा बैठे हैं वो तय करें, जो दादियां बैठी हैं वो तय करें कि अपने पोते को मैं 4 साल के अंदर प्रतिगमन सिखाऊंगी। यदि वो मां ही काम कर सकती तो आप भी कर सकती हो। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि जामखेड़ महाराष्ट्र से जो प्रतिक्रमण सीखने की बच्चों की फैक्ट्री बन रही है, जहां हर साल के कार्यक्रम में जामखेड़ के बच्चे और माताएं आती ही आती है, 27 बच्चों ने प्रतिक्रमण सीख लिया है और आज भी उस जामखेड़ से 2 परिवार यहां पर पहुंचे हुए हैं, मंजू श्री प्रीतम जी बोरा और मीनल चिपाल जी बेदमुत्था। उन दोनों को मैं पहले आमंत्रण देता हूं कि वो आए, अपने लाडले को लेकर के आए। मंजू श्री प्रीतम जी बोरा, मीनल विशाल जी बेदमुत्था, मीनल विशाल जी बेदमुत्था, मैं आग्रह करूंगा जिन जिन को मैंने पहले आमंत्रण दिया हुआ है। भाई जी, हाँ रितु जी, कांता भाई से आगे पधारिए, रितु जी, प्रकाश जी, रितु भाई सोरण आगे पधारिए, प्रेम लता जी कांकरी आगे पधारिए, प्रकाश देवी सिंह जी आगे पधारिए और धर्मचंद साहब भी आगे पधारिए। वहीं पर बाबू जी, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया बीच में जगह न छोड़ते हुए आकाश में विकास करते हुए कृपया थोड़ा आगे विराजिए, पीछे काफी लोग खड़े हैं। माताओं से रिक्वेस्ट है, कृपया जगह न छोड़ते हुए थोड़ी सी जगह प्रदान कीजिए जिससे पीछे आने वाले बहनों को भी बैठने के लिए जगह मिल सके। गौतम, एक मिनट सर, सतीश भाई एक मिनट, गौतम सा और धर्मचंद सा, हर्ष हर्ष, जय जय माँ हुलसा के पुरस्कार के अधिकारी को धन्यवाद, माँ हुलसा पुरस्कार के अधिकारी को धन्यवाद। हाँ जी, और इसके बाद मंजूश्री प्रीतम जी बोरा, जामखेड़ से ही है दोनों। हाँ इधर भाई जी, इधर ही पीछे, आपके पीछे ही है सतीश भाई। हाँ दे बेटा, माँ ने दे। हाँ हर्ष हर्ष, और इसके साथ ही ऐसी ये 3 बहनें हैं लेकिन 3 सिटी में रहती हैं, जलगांव, नांदगांव और बुल्ढाना। ये तीनों सगे बहनें हैं और तीनों ही सगे बहनें आज माहौल सा पुरस्कार के अधिकारी बनने जा रही हैं। उसमें पहली बहन है शीतल जी, संतोष जी मालू बुल्ढाना, चिरंजीव सौम्या के साथ आगे आएगी। शीतल संतोष जी मालू, आ गया हो, आ गया हो ऋतु जी, आ गया वो प्रेमलता जी, गौतम साहब बुलाओ ना आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और आइए। इसके बाद का जो नंबर है, अपने आप को संभालिए। अगला जो माँ होलसा के पुरस्कार का अधिकारी बनने जा रहा है उसकी उम्र है केवल 7 साल की, श्वेता आनंद जी चोपड़ा, वो पट्टे पर ही खड़े रहेगी।
श्वेता आनंद जी चोपड़ा, क्यों लेकर श्वेता आनंद जी चोपड़ा के दोनों ही, और दो लाल है उसके, बेटा और बेटी दोनों को प्रतिज्ञा याद कराया है। अक्षद और कुमारी अनोखी, इन्होंने 7 साल की उम्र में प्रतिज्ञा याद किया है। हर्ष 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 हर्ष, मां हुलसा पुरस्कार के अधिकारी को धन्यवाद। सोचता हूं इसमें से कोई आनंद तो बनी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बढ़िए आगे, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र है 6 साल की, और वो चेन्नई की है, इसलिए चेन्नई वालों को थोड़ी ज्यादा खुशी हो जाएगी। और उसकी मां है और पिताजी है रजनी अजय जी गोटावत, जिसको 28 है। अनंत सा छल्लानी और महासंघ के अध्यक्ष सजनदास मेहता, जिन्हें भी आज 8 उपास है। इस बच्ची को देखिए और उसकी मां को भी देखिए, मां को तपस्या है, 28 में है मां, और बेटी को प्रतिगमन याद, 6 साल की उम्र में प्रतिगमन याद किया है, चेन्नई की है, और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। उसको देख करके तो लगता है कि वो आगे जाकर के जिन शासन की चंदन वाला पक्की बनेगी। और पुच्छ सुनम भी याद है, प्रतिक्रमण भी याद है, और पुच्छ सुनम भी याद है। मन तो बहुत है कि इनकी थोड़ी सी झलक आपको बताऊं, लेकिन अब सबको बताऊंगा तो समय हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। और है जहां से महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में स्थानकवासी धर्म की पहले शुरुआत हुई, वो मेरी प्यारी प्यारी घोड़ नदी, और उस घोड़ नदी से आया है एक परिवार। सब प्रीति कपिल जी बोरा अपनी बेटी सांची को लेकर के, प्रीति कपिल जी बोरा। श्रीमान कमलचंद सा खटोर, आपसे भी निवेदन है, आगे बता रहे कमलचंद सा खटोर। आइए कमलचंद सा, एक घोर नदी से है, कहा है पिताजी, आजा भाई कपिल जी। हाँ, और आइए उस बच्चे को निहारने के लिए तैयार हो जाइए। मैं उनके पिताजी होंगे तो उनके पिताजी को बुला रहा हूं, अजीन के बनवट को, दादी भी आई है, दादी को भी बुला रहा हूं, और खास करके पिताजी को बुला रहा हूं, अजीन के बनवट नहीं आए हैं। कमल जी, सतीश भाऊ, अशोक सा, इस बच्चे को थोड़ा अपने हाथों में ऊपर उठाइए ना, छोटा सा तो बच्चा है, उठा सकते आराम से। श्री आनंद जन्मोत्सव समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है, आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उठाइए इसको, सब देख पाएंगे। 4 साल की उम्र में प्रतिक्रमा ने याद किया है। हर्ष 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 हर्ष। इस बच्चे के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये जलगांव से है आरव बनवट, ये 4 साल का, इसके 25 बोल भी कंठस्थ है। भक्तामल की कोई भी गाथा वो बीच में से 17 गाथा तक बता सकेगा आपको, और प्रतिक्रमण भी अभी, मतलब उसकी दादी बहुत वर्षों से स्वाध्यायी है, पुष्पा जी बनवट, तो उन्होंने अभी उसकी बहू से कहा, यहाँ पे आए, उन्होंने माना सबका सब माहौल देखा, गर्भ संस्कार शिविर वगैरह वो सब, तो वो उसे बोले कि तू अभी ऐसी प्रतिज्ञा कर कि अगले 4 साल बाद जो उसके अभी गर्भ में बच्चा पल रहा है उसे भी हम यहाँ पुरस्कार के लिए लाएंगे 4 साल बाद। तो मुझे ऐसे कहना है कि हम जिस गुरुदेव की आज जन्म जयंती मना रहे हैं,
वो भी काफी संस्कार मतलब एकदम नीचेवादी गुरुदेव थे, तो अभी भी हम वैसे ही उपाध्याय श्री जी के प्रोग्राम में है, उनका गर्भ संस्कार शिविर देख के दादी ने बोला तो वो बोली ऐसे नहीं हो सकता है, पर हम सब बोले कि नहीं अगर आरव कर सकता है तो अगले बच्चे को भी 4 साल बाद हम वापस गुरुदेव के पास लाएंगे हिंसा माता पुरस्कार के लिए। तो असंभव कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहे तो सब कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने भी भक्तामल सबके कंठस्थ है और उन्होंने भक्तामल लिखे हुए भी, मेरे बच्चों ने भी जिनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है उन्होंने भक्तामल पूरा लिखा हुआ है, तो जो भी मतलब करना करवाना चाहे वो इजीली कर सकते हैं। धन्यवाद। हर्ष हर्ष, मैं दादी और माँ को स्टेज पर बुला रहा हूँ, दादी और माँ को स्टेज पर बुला, उधर डायस के पास आ जा, यहाँ से दिखेंगे नहीं तो उधर आ जा, या तो ऊपर आ जा यहाँ पर, इनको देखिए एक बार। माँ हुलसा पुरस्कार का जो ये कार्यक्रम अभी हमारे सामने संपन्न हुआ है, अभी आधा बाकी है। पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की माता जी आज इस धर्म सभा में विराजमान है। श्रीमती चंपा देवी जी, आप भी असली रूप में माँ हुलसा देवी पुरस्कार के आप भी एक कैंडिडेट हैं। आपसे भी निवेदन है, श्रीमती चंपा देवी जी से निवेदन है, आप भी आगे बता रहे। देखिए इस बच्चे को, देखिए इस दादी को, देखिए चार साल की उम्र में याद करने के लिए शुरुआत तो 3 साल में ही करनी पड़ी होगी ना। जिसको पढ़ते नहीं आता है, जिसको अक्षर की पहचान नहीं है, उस बच्चे को इतना याद कराना है, इन माताओं का जितना अभिनंदन करे उतना कम है। फिर एक बार माँ हुलसा पुरस्कार के अधिकारियों को हर्ष हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष, जय जय। 17 साल की छोटी आयु में अपने कलेजे के लाल को गुरु आनंद के चरणों में समर्पित करने वाली वीर माता आज हमारे बीच। और मैं आमंत्रण दूंगा माताओं को, मेरा सपना तो ये भी है कि बच्चा गर्भ में ही प्रतिगमन सीख करके आ जाए। हाँ, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अर्हम गर्भ संस्कार की साधना से जन्मे हुए बच्चे जैसे उनको नमुथुनम सुनाया जाता है रोते हुए बच्चे मुस्कुराने लग जाते हैं। अरहम गर्भ संस्कार की एक साधना का एक अनूठा उपक्रम, और आए ही आपके धर्म सभा में पूरे भारत से करीबन 100 टीचर आए हुए आज यहां पर, जिनका कल से शिविर शुरू होने जा रहा अपडेट सेशन, और जो नई गहने टीचर बनना चाहती है उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रारंभ हो चुकी है। वो इन सारे टीचरों से संपर्क कर करके 24, 25, 26 सितंबर को उनका यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, उसके पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जिन्हें जिन्हें आरंभ गर्भ संस्कार का टीचर बना, और मैं चाहूंगा जो भी बिलो 40 है, और खास करके मैं पर्व की मम्मी से जरूर कहूंगा, मैं इन तीनों ही माताओं से आग्रह करूंगा, तीनों क्यों इन आठों ही माताओं से आग्रह करूंगा कि आरंभ गर्भ संस्कार की टीचर जरूर बने, कि उनके पास एक कला है, उन्होंने बच्चों को सिखाया तो माताओं को जरूर सिखा सकती है। और तुम्हारी जैसी माताएं तैयार हो जाए घर घर में तो क्या करेगी टीवी और क्या करेगा पंचमाराय। माता त्रिशला हो जाए तो पिता को सिद्धार्थ बनना ही पड़ेगा, इसलिए इस कार्यक्रम को जरूर जुड़िए और एक अरमान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लीजिए। इन्हीं भावों के साथ अगला कार्यक्रम। पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति ये हम सब की गुरु भक्ति का ही परिणाम है कि ये विशाल पंडाल आज छोटा लगने लग गया है। एक शायर के शब्दों में कहूं कि हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपको चाहने वालों का बड़ा काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर खुदा से, पर वे खुदा भी तुम्हें चाहने वाला निकला। आज पूज्य गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन लिए स्थानीय एवं बाहर से सभी गुरु पधारे, आपका पुनः स्वागत। अब
श्री गुरु आनंद फाउंडेशन की ओर से अध्यक्ष महोदय श्री सतीश जी सुराना से निवेदन है, आगे पधारे सतीश जी सुराना, गुरु आनंद फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय। जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं उनकी जन्मभूमि है श्री रालचीचौंडी, छोटा सा कस्बा है, लेकिन जिसको मेरे गुरुदेव ने चुना हो हमको चुननी है। और जन्मभूमि को तीर्थ भूमि बनाने के लिए एक अनूठा उपक्रम, लीक से हटकर के कार्यक्रम, जितने सारे शिविर चल रहे उनका ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च प्रोजेक्ट, आशीर्वाद के रूप में अंतिम आराधना के पलों में वहां पर एक व्यवस्था की जा रही है। अरहम गर्भ संस्कार का एक सपना है कि बच्चे वही जन्म ले लें, मेरे गुरु की जन्मभूमि हर बच्चे की जन्मभूमि बन जाए, इस एक अनूठे संकल्प के साथ चला हुआ कार्यक्रम। और गुरु आनंद फाउंडेशन ने वो संकल्प लिया है और उसके अध्यक्ष महोदय श्री सती जी सुराना आपके सामने है। हम सभी के श्रद्धा स्थान आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में विनम्र वंदना, मंच पर विराजित सभी आचार्य और सभी संत सतियों के चरणों में भावपूर्ण वंदना, और इस धर्म सभा में अपने गुरुवर को अठाई की भेंट समर्पित करने वाले सभी तपस्वी गण, मैं उनके तपस्या की साता पूछता हूं। इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अठाई महोत्सव समिति के कार्यकर्ता, चतुर्मास समिति के पदाधिकारी, पुना से पधारे हुए मेरे गुरु आनंद फाउंडेशन के सहयोगी तथा धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का माहौल हम देख रहे हैं, आचार्य भगवंत की 119वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं, इसके लिए काफी लोगों ने कड़ी मेहनत ली है, उपाध्याय प्रवर की प्रेरणा हर अटाई के पीछे रही है, और ये सब करने के बाद इस 40,000 स्क्वायर फुट के पंडाल में 10-12,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुझे बताने में खुशी होती है कि जहां कोई प्रेरणा नहीं, जहां कोई उपाध्याय प्रवर नहीं, जहां कोई संत नहीं, उस जन्मभूमि पर आज कम से कम 15,000 से 20,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो लोग स्थानकवासी परंपरा, मंदिर मार्गी परंपरा, श्वेतांबर परंपरा, दिगंबर परंपरा से नहीं है, तो सभी संप्रदायों के, सभी समाज के लोग वहां पधारे हैं, कई मुस्लिम है, कई हिंदू है, कई ब्राह्मण है, सभी संप्रदाय के लोग बिना बुलाए गुरु आनंद के, आनंद बाबा के धरती पर आनंद बाबा का जन्मोत्सव मनाने आते हैं। ना वो कोई उधर सहयोगी होता है, ना भोजन का सहयोगी, ना मंडप का सहयोगी, ऐसे आनंद बाबा की महिमा चिचौड़नी में आने के बाद आपको पता चलेगी, महाराष्ट्र में आने के बाद पता चलेगी, और भारतवर्ष में भी उसकी महक जगह जगह पहुंची हुई है। इस आनंद बाबा के जो विचार है, उनका एक जीता जागता एक म्यूजियम बनाने का, एक स्मारक बनाने की संकल्पना हमने ली थी, लेकिन वो केवल उसी जगह पर सीमित नहीं है, तो उसको जैन समाज का एक तीर्थ, जैन समाज को दिशा देने वाला एक तीर्थ बनाने की संकल्पना है। उपाध्याय पर्वर के अनेक कार्यक्रम है, एक तीर्थ का निर्माण करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहता हूं, मेरे ख्याल से चेन्नई से काफी लोग आनंद तीर्थ के भूमि पर दर्शन लेके पधारे हुए हैं, मैं सभी को निमंत्रण देता हूं कि आनंद तीर्थ के भूमि पर जरूर पधार कर एक आनंद बाबा के आशीर्वाद पाने का मौका पाइए। जनवरी 19 में जो समाज समर्पण का द्वितीय समारोह हम करने जा रहे हैं,
मैं आप सभी को आज इस मंच से हार्दिक हार्दिक आमंत्रण देता हूं और मुझे आशा है कि चेन्नई निवासी केवल गुरुदेव नहीं उपाध्याय प्रति उपाध्याय प्रवर के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो 2019 के कार्यक्रम को हजारों के संख्या में पधारेंगे। इसी भावना के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय आनंद, जय महावीर। और आइए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, महिलाओं के लिए यहाँ तपस्या थी, स्टेज के पास काफी जगह खाली है, पीछे से आई हुई महिलाओं से रिक्वेस्ट है कृपया आप आगे आ जाइए, साइड में जगह खाली है। सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कृपया आकाश में विकास कीजिए, कोई जगह मत छोड़िए, जरा प्लीज आगे बढ़िए। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। आइए मारवाड़ी टोन के साथ सहकार पेट में जिनका चतुर्मास चल रहा है, एक ऐसी विरासत लेकर के मेरे पड़ोस में विराजमान है उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब की विरासत लेकर के सहकार पेट को लाभान्वित कर रहे विनयमणि जी महाराज साहब वागीश कंटिन्यू इस सेवा में लगे हुए हैं कि मेरे गुरुवर की जो शुद्ध सेवा है उसको मैं कैसे युगानुरूप में प्रस्तुत करूं। बोलते नहीं है लेकिन जीते जरूर है। अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने का ऐसा हौसला बहुत कम लोगों में देखा है। और साथ में है गौतम मुनि जी महाराज साहब, वो प्रवर्तक से गौतम मुनि जी महाराज साहब गुनाकर जब श्रावण बाल की कहानी वो सुनाते हैं हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा भी श्रावण बाल जैसा मुझे मिल जाए। ऐसे गौतम मुनि जी महाराज साहब से आग्रह है इस धर्म सभा को ऐसा संबोधन दे कि धर्म सभा में से कम 11 तो आनंद निकल ही जाए। जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में। मेरी आवाज यदि पीछे तक पहुंचती हो तो सभी भाई बहन अपनी इस जीवा को पावन बनाने के लिए गुरुदेवों के प्रति अपनी श्रद्धा का अवश्य परिचय देंगे। जन जन के मन में आनंद है, जन जन आराध्य हमारे आनंद है, आराध्य हमारे आनंद है। जन जन के मन में आनंद है, जन जन के। जिनको भी आनंद चाहिए वो जरूर इन आनंद की पंक्तियों का अपनी जीवा से उच्चारण करेंगे। आनंद की अनुपम महिमा है, आनंद की अनुपम, आनंद की
अनुपम गरिमा है आनंद की, अनुपम गरिमा है जो देवी चंद जी के नंदन है, जो देवी चंद जी के नंदन है, जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, जगते सोते आनंद बोलो, जगते सोते आनंद, पढ़ते लिखते आनंद बोलो, पढ़ते लिखते आनंद, आनंद के जप से आनंद है, आनंद जप से आनंद है, जन जन के मन में आनंद है, जन जन के मन में आनंद है। जैन समाज के मूर्धन्य आचार्य भगवान उपाध्याय श्री उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज आदि संतों के सानिध्य में और साथ ही हमारे स्थानकवासी एवं मूर्ति पूजक समाज के सतीवृंद के सानिध्य में और इतनी बड़ी जनता के बीच में पूज्य गुरुवरों का गुणगान किया हुआ जाता देख करके मन में हार्दिक प्रसन्नता और खुशी की अनुभूति होती है। आज से लगभग 49 वर्ष पहले आचार्य भगवान का चातुर्मास खुशालपुरा में हुआ था, जिसका नामकरण ही आनंदपुर कर दिया गया। आचार्य श्री के चातुर्मास से पहले जिस गांव को खुशालपुरा कहा जाता था, आज वह गांव आनंदपुर के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि वहां की मात्र जैन समाज ही नहीं लेकिन 36 ही कौम के लोग आचार्य भगवान के चातुर्मास को आज भी याद करते हैं। हमारा जब जब भी आनंदपुर में जाना हुआ, तब आनंद बाबा का इतिहास उन बुजुर्ग लोगों से आज भी श्रवण करने को मिलता है। आप जान करके हैरानी अनुभव करेंगे, वहां पर जो मुस्लिम भाई रहते हैं आचार्य श्री के चातुर्मास में टांगा चलाने का काम करते थे। रायपुर से लोगों को दर्शनार्थ खुशालपुरा आनंदपुर में ले जाते थे, उन लोगों ने अपनी मुंह जबानी ये बात कही है, आनंद बाबा ने हमारे क्षेत्र में चौमासा क्या किया, हमारे परिवारों को धन्य बना दिया, न केवल हमारे जीवन में सात्विकता का ही भाव उन्होंने भरा, बल्कि हमारे परिवार को इतना शानदार और जानदार बना दिया जिनकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सुबह शाम खाने को पूरा जिन्हें नहीं मिलता था, उन लोगों के घर में उस समय के अंदर चलने वाले विशेष साधन उनके घर में आए, और आप जान करके हार्दिक खुशी का अनुभव करेंगे, वे टांगे का कार्य करने वाले टांगा चालक जिनको उस चातुर्मास में लगभग 50-50 तोला सोना केवल
यात्रियों को ले जाने लाने के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को रायपुर से खुशालपुर और खुशालपुरा से रायपुर ले जाने मात्र के लिए एक एक टांगे वाले के यहाँ पर 50-50 तोला सोना उनके परिवार वालों को मिला, केवल सेवा का यह सुफल और साथ ही आनंद बाबा का वो प्रभाव कि जिनके देश के विभिन्न कोनों से दर्शनार्थियों ने उन टांगे वालों का जीवन सचमुच में खुशहाल बना दिया, वह खुशहालपुरा सचमुच में खुशहालपुरा तो बना ही लेकिन साथ में आनंदपुर के नाम से पूज्य गुरुवर के नाम से प्रसिद्धि पाया। पूज्यवर जब आचार्य पद का निर्वहन कर रहे थे उस समय में उनके नेतृत्व में आचार्य पद पर रहते हुए अनेक स्थलों पर सम्मेलन के आयोजन हुए जिसमें से मुख्य रूप से खुशालपुरा का चातुर्मास संपन्न करने के बाद श्रमण सूर्य मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब